कितना दिन हो गया आज यहाँ पर, आज दिन, तो वो लोग हाथ उठाओ जिनको रिबॉलिंग आती है। किसको रिबॉलिंग आती है? सबसे आती है, क्या बात है, ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए। अब मुझे वो लोग हाथ उठाइए जिन्होंने सीपीयू निकाल के लगा सकते हैं वापस और सेट को चालू कर सकते हैं। किन्होंने यहाँ पर सीपीयू निकाल के लगा के सेट को चालू किया है? सबने किया है यहाँ पर। और जिन्होंने रख दीजिए, जिन्होंने एक से बात चालू किया है ज्यादा बार, दो बार, तीन बार, वो लोग हाथ उठाइए। कोड रजिस्टर, हाँ, और तीसरा थर्मिस्टर। अच्छा, बहुत से लोगों को थर्मिस्टर के बारे में बहुत कम जानकारी होती है और वो जानना भी चाहते हैं, यूट्यूब चैनल खोलते रहते हैं या थर्मिस्टर कुछ पता चल जाए, क्योंकि थर्मिस्टर से क्या फॉल्ट आ सकता है? एक सर, थर्मिस्टर टेम्परेचर सेंस करता है। बिल्कुल, टेम्परेचर सेंस करता है, इसलिए वो तो टेम्परेचर का फॉल्ट देता है। सर, थर्मिस्टर जाने की टेक्निक आपको पता है कि नहीं पता है? जैसे तो पता, हाल उठाइए यहाँ पर, थर्मिस्टर को पहचाने की टेक्निक। सीरीज पहले चेक करना आता है? हाँ? आप बताओ, किस किस को सीरीज पहले चेक करना आता है? अब यहाँ पर सबको आता है। पहले दिन आया था तो थोड़ा बहुत डाउट था कि नहीं था, क्योंकि जो भी है अपन दिल से बोल रहे हैं यहाँ पर, कुछ आप ऐसा नहीं है कि बुलवाया जा रहा है। तो आप बिल्कुल पहले बताओ, पहले दिन में और अब में क्या अंतर है? सर, बहुत फर्क है। मैंने तो जो सोच के आया था उससे बहुत अच्छा गुण मिल गया। मैंने सोच के आया था कि क्या मिलेगा, मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ, मेरा शॉप है, लेकिन कुछ आइडिया नहीं था क्या है नहीं है। तो आके यहाँ के ए टू जेड मिल गया, जो मिलना था प्रॉपर नॉलेज मिल गया, मेरे को बहुत सेटिस्फाइड हो गया। सर, दिल से सच्ची बात बोल रहा हूँ सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। प्रैक्टिकली यहाँ पर कितना मिला आपको? कितने बजे तक क्लास चलती है? ये सर 12 घंटे हो जाते हैं। 12 घंटे हो जाते हैं। सुबह कितने बजे बुलाते हैं आप लोगों को? कितने बजे भेजते हैं? 8 बजे। फिरोज, ये क्या नोट्स लगे हुए हैं यहाँ पर? ये सब स्टूडेंट ने अपने आप से एंड्रॉइड के पीसीबी को ट्रेस किया है, अपने हाथ से सर्किट डायग्राम बना के ये लोग लगाए हैं, और सारे मोबाइल का कोई भी सेक्शन हो ये सब अपने विदाउट स्कीमेटिक देखे हुए ये खुद बना सकते हैं और ट्रेस कर सकते हैं। वो बहुत सारे लोग बोलते हैं, दुर्गेश, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डायग्राम्स के बिना काम नहीं हो पाता है, डायग्राम से ही काम सीखना चाहिए, क्या ऐसा है क्या? नहीं, हमारे पास जो भी स्टूडेंट आते हैं बिना डायग्राम के वो सर्किट डायग्राम बना रहे हैं। सर्किट डायग्राम बना रहे हैं क्योंकि उनको ट्रेसिंग का प्रॉपर ए टू जेड ऐसा नॉलेज कैसा दिया जा रहा है, आप खुद बताइए। ये डायग्राम हमने बनाया है दोनों, ये आप ही ने बनाया है सर? ये मेरे खुद के डायग्राम बनाए हुए हैं, सर ने सिखाया था हमें टेक्निक की, मतलब ये टेक्नीशियन होते हैं जो सिर्फ कह सकते हैं पर बहुत चीजों को समझा, पर आप अगर समझा रहे हो तो, अगर मैं आपको सच बताऊं, आप सबको अगर मैं एक अपने दूसरे किसी स्टूडेंट को दे दूं, बोलूं इनको सिखा दो, तो आप सिखा नहीं सकते क्या? सिखा सकते हैं कि सर मैं तो सिखा भी दूंगा, क्योंकि हमने सिर्फ चेक नहीं किया, हमने उसको समझा है कि वो क्या कैसे कर लीक होता है, कैसे खराब होता है, सारी चीजें प्रैक्टिकल किया हुआ है, प्रैक्टिकल किया हुआ है। अगर मैं आपको बताऊं कि डायोड अगर पैरेलल लगा है तो उसका प्लस किधर होगा? माइनस की तरफ, माइनस की। वेरी गुड, इनके लिए जोरदार ताली बजा दी। तो आप बताइएगा कि वो एनपीएन है कि पीएनपी है, क्योंकि सिंबॉलिक रूप से बना रहे हैं। और आप सभी को ट्रांजिस्टर चेक करना आते हैं कि नहीं आते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे हमने ट्रांजिस्टर बता दिया, आप बताइए कौन सा ट्रांजिस्टर है? सर ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है क्या? बाकी में ही एनपीएन ट्रांजिस्टर है। वेरी गुड, तालियां बजा दीजिए एक बार इनके लिए। जहां इन्होंने, आपने सीपीयू निकाल के लगाया वापस? दो बार निकाल के लगाया है। तो आपने यहाँ पे ट्रेसिंग भी की है यहाँ पर? अच्छा, और अगर आईसीओ की जानकारी मैं पूछू, आप सबसे पूछता हूँ अनिल के साथ में, कि अगर एमटीके का सीपीयू पावर, वाईफाई, आरएफ या फिर ऑडियो आईसी सब बता देंगे कि नहीं बता देंगे? कौन कौन बता सकता है यहाँ पर? सब बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? कॉलकॉम में हाथ उठा के बताओ यार, कंप्लेंट हाथ उठा के बताओ, सब बता सकते हैं ना? सर, मैं 4 महीने से सर वीडियो देख रहा हूँ आपका, इंतजार कर रहा हूँ, 2 बजे रात को मैं सोता हूँ आपके वीडियो देखने के बाद। अच्छा जी, ये मैं 4 महीने से कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो अब मैं यहाँ आने का एक एक दिन का इंतजार कर रहा था, आप मुझे बहुत खुशी हुई है। कॉइल लगा होगा सैमसंग में, सीरीज में कॉइल लगा होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको मैं एक आईफोन दे दूं और आईफोन में BSI ओपन है, तो उसका बना सकते हैं? बना सकते हैं। मेन जो कंपोनेंट्स उसमें मिलने वाले हैं उसका नॉलेज है, हम आप दूसरे कंपोनेंट्स को छोड़ के सिर्फ उस लाइन पे वही कंपोनेंट्स जोड़ेंगे तो हमें जल्दी मिलेगा। आपको अगर सर्किट डायग्राम की या बात करें, पीबी पढ़ना आएगा कि नहीं आएगा? आईफोन का पीबी सप्लाई, आईफोन का पीबी अभी सर ने हमको पिछले 2 दिन में ही सिखाया है और मुझे सिखा दिया है, तो मतलब सब लोग तो कोई भी सीख सकता है यहाँ पर आके, क्योंकि मैं यहाँ से आने के पहले कभी आयरन भी नहीं पकड़ा अपने हाथ। अच्छा, आप बिल्कुल फ्रेशर है? कभी आयरन नहीं पकड़ा है सर। अच्छा, यहाँ पर मैं इतना सोच के आया था कि सिर्फ मैं डिस्प्ले लगाना सीख लूंगा तो बहुत हो जाएगा मेरे लिए करके, लेकिन मेरे साथ इतने अच्छे सर लोग हैं, इतने अच्छे सीनियर्स हैं कि मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ 4 दिनों में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात है। आपने यहाँ पे सीपीयू लगा के चालू किया है? यहाँ पर लगाया है सर, 1 टाइम नहीं हुआ, 2nd टाइम हुआ, 3rd टाइम में सर ने मेरे को कॉन्फिडेंस दिया और 3rd टाइम में मैंने पूरे ग्राफिक्स वाले मोबाइल को 1 टाइम में सीपीयू लगा। रिसीवर की लाइन है और उधर आपको क्या क्या कंपोनेंट मिल सकते हैं?
सर रिसीवर की लैंग्वेज सर हमको दो गार्ड मिल सकते हैं, दो सिक्योरिटी गार्ड मिल सकते हैं, ठीक है, पानी पिलाने वाले हो सकते हैं, तीन पानी पिलाने वाले हो सकते हैं, तीसरा वाला पानी पिलाने वाला कैसा लगा होगा सर? वो दो लाइनों के बीच में पैरेलल लगा होगा, वेरी गुड। और फिर उसके बाद में क्या? उसके बाद सर हम मैनेजर से मिलेंगे। मैनेजर से पर पहले एक और चीज लगी होगी वहाँ पर, चप्पल। चप्पल हाँ सर, चप्पल। मैनेजर से पहले क्या लगा होगा? चप्पल लगा होगा। चप्पल लगी होगी। थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ में इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम, मैं हूं देवेंद्र अग्रवाल और ये है मेरा 28 सितंबर का बैच का स्टूडेंट। मैं सबसे पहले यहां पे आपसे एक बार पूछना चाहता हूं कि आज कितना दिन हो गया आज यहां पर? आज दिन तो वो लोग हाथ उठाओ जिनको रिबॉलिंग आती है। किसको रिबॉलिंग आती है? सबसे आती है, क्या बात है, ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए। अब मुझे वो लोग हाथ उठाइए जिन्होंने सीपीयू निकाल के लगा सकते हैं वापस और सेट को चालू कर सकते हैं। किन्होंने यहाँ पर सीपीयू निकाल के लगा के सेट को चालू किया है? सबने किया है यहाँ पर। और जिन्होंने रख दीजिए, जिन्होंने एक से बात चालू किया है ज्यादा बार, दो बार तीन बार, वो लोग हाथ उठाइए। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे शुरू करते हैं। ये हमारा 5 दिन का आउटपुट जिसमें हमने सारे कॉम्पोनेंट्स भी पढ़े। जरा आप खड़े हो जाइए, बताइए 5 दिन में आपने क्या क्या सीखा है शुरू से आखिरी तक, एक शॉर्ट में जल्दी बताइए। जी सर, हमने पहले तो सबसे पहले दिन आते हमने आईसी रिबॉलिंग सीखी, उसके बाद चालू सेट पे हमने आईसी निकाली और लगाई वापस, वो सेट को चालू किया हम लोगों ने। उसके बाद हमको कॉम्पोनेंट का नॉलेज दिया गया, कैपेसिटर रजिस्टर ट्रांजिस्टर डायोड ये सारे वगैरह हम लोग जितने भी पीसीबी में आती है आईसी तक हम सब कंपोनेंट का हमारे पास नॉलेज है फिलहाल अभी है अभी तक। और इसके बाद ट्रेसिंग, ट्रेसिंग मतलब ट्रेसिंग में आप आ चुके हैं? जी सर, तो ट्रेसिंग में आ चुके हैं, ट्रेसिंग में सीरीज पैरेलल। और आपको ट्रेसिंग करने का और आसान तरीका मैंने आपको दिया है, तो ये आपको मिला है कि नहीं मिला है? सबको मिला है। तो चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप कहाँ से आए? जी सर मैं गुजरात से आया हूँ, सूरत गुजरात से, किशोर नाम है। क्या सोचकर आए थे और क्या मिला आपको और कितना कितना अंतर है और अभी के और पहले में? सर बहुत अंतर है, मैं पहले मतलब पहले भी मैं वैसे बर्बाद कर चुका था, मेरे में उम्मीद छोड़ चुका था कि मतलब कोई है नहीं ऐसा जो सिखाने वाला। फिर मैंने YouTube पे देखा, काफी लोगों से मैंने रेफरेंस लिया, उसके बाद मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिला, मैंने बोला चलो एक बार आखिरी उम्मीद बट कोशिश कर लेते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है ऐसा। तो यहाँ पे आया था सर, यहाँ पे क्या उम्मीद लेके आया था, मतलब लाए थे उम्मीद पॉजिटिव आए थे कि नहीं? पॉजिटिव उम्मीद लेके आया था और उससे कहीं ज्यादा मिला है सर, लोगों ने क्या सिखाया था मुझे और यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली होता क्या है, ये सारी चीजें सर मैं आज जानता हूँ। अच्छा चलिए ठीक है, कितनी चीजें होती है सब चीजें जानता हूँ सर। इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए एक बार। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले आपका नाम क्या है? राजू साहब। राजू साहब आप मुझे बताओ, मैं आपसे कुछ कॉम्पोनेंट पूछना चाहता हूँ। आप मुझे कैपेसिटर के बारे में बताओ, बताइए कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? नॉन पोलर और पोलर कैपेसिटर। नॉन पोलर और पोलर कैपेसिटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि कैपेसिटर को कैसे चेक किया जाता है नॉन पोलर वाले को और उसकी क्या क्या चेकिंग, उसमें क्या खराबी आती है? नॉन पोलर कैपेसिटर वो एक शॉर्ट भी होती है, लीकेज होती है और दोनों पहचान सकते हो? यस सर, शॉर्ट भी और लीकेज भी, क्योंकि जनरली बहुत सारे लोग क्या होते हैं लीकेज कंपोनेंट पहचान में नहीं आते। शॉर्टिंग तो हम तो सीख ही चुके हैं, वो तो यूट्यूब में भी कई बार बताते हैं। शॉर्टिंग क्या होती है? शॉर्टिंग दोनों तरफ से बीप आती है, पर जो लीकेज होते हैं वो हम पहचान नहीं पाते। आप पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते? ठीक है, कैपेसिटर क्या काम करता है? वो तीन पर काम करता है सर, एक चार्ज वो पावर को अपने आप जॉब करती है, दूसरा डिस्कनेक्ट करती है चार्जिंग को, और तीसरा सर वो फिल्टर का काम करता है। वही चार्जिंग डिस्चार्जिंग करती है और तीसरा फिल्टर का काम करती है। कैपेसिटर कहाँ लगे हो सकते हैं? बोर्ड के किस हर जगह लगे हो सकते हैं। अच्छा, एक मैंने बहुत सुना है कि लाइट सेक्शन से नहीं निकालना चाहिए, पावर सेक्शन से निकालना चाहिए, जो लॉजिक हमें नहीं पता कि ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, आपको पता है कि नहीं पता है लॉजिक कहाँ के रियल कैपेसिटर नहीं निकालना चाहिए? लाइट डायरेक्ट के पास जो लगे और डायरेक्ट और बुश कॉल के पास जो डायरेक्ट कैपेसिटर लगे तो वहाँ के नहीं निकालना, वहाँ के नहीं निकालना चाहिए। अगर नहीं निकाल दिए तो क्या होगा? निकाल दीजिए तो अगर लाइट सेक्शन कम निकालते हैं तो लाइट नहीं आएगी, लाइट क्योंकि वो बूस्ट वोल्टेज नहीं निकाल पाएगा। बहुत अच्छा है आपने बताया, आपको कैसा लगा यहाँ आके? मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, मतलब आपने जो भी फिरोज सर ने और जो हमारे दुर्गेश सर ने आपको यहाँ पे सिखाया है और जो हमने जो मैं एज ए देवेंद्र अग्रवाल जो आपने यहाँ पे सीखा है, वो आपने क्या सोचा था और क्या आपको मिला? मैं थोड़ा सा 2 मिनट में सर, मुझे तो मैं मोबाइल रिपेयरिंग आती नहीं थी, मैं यहाँ आप फ्रेशर है बिल्कुल? यस सर। अच्छा, आपने सीपीयू रिबॉलिंग भी किया आपने? यस सर। और आपने उसको लगा के चालू भी किया सेट को? यस सर। अरे वाह, इसके लिए किसको क्रेडिट देना चाहेंगे आप? इसको सर वो सर को देना चाहेंगे, फिरोज सर को। फिरोज सर के लिए बस आप लोग ताली बजा दीजिए एक बार, और दुर्गेश सर के लिए भी ताली बजा दीजिए एक बार, और एक बार ताली बजाइए अपने लोगों के लिए, खुद के लिए, कि आप लोगों ने वेरी गुड।
चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बैठ जाइए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपसे आपसे तीन रजिस्टर बता दो सर। पहला तो फ्यूज रजिस्टर, दूसरा सर कोड रजिस्टर, और तीसरा थर्मिस्टर। अच्छा, बहुत से लोगों को थर्मिस्टर के बारे में बहुत कम जानकारी होती है, वो जानना भी चाहते हैं, यूट्यूब चैनल खोलते रहते हैं या थर्मिस्टर कुछ पता चल जाए, क्योंकि थर्मिस्टर से क्या फॉल्ट आ जाता है। एक सर थर्मिस्टर टेम्परेचर सेंस करता है, बिल्कुल टेम्परेचर सेंस करता है, इसलिए वो तो टेम्परेचर का फॉल्ट देता है। सर थर्मिस्टर जाने की टेक्निक आपको पता है कि नहीं पता है? जैसे पता हाल उठाइए यहाँ पर, थर्मिस्टर को पहचाने की टेक्निक। ठीक है, आप मुझे बताइए फ्यूज रजिस्टर कहाँ लगा मिल सकता है? फ्यूज रजिस्टर सर स्पीकर सेक्टर, स्पीकर सेक्टर। अगर मुझे आपसे जानना है कि आपने फ्यूज रजिस्टर में अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो उसमें क्या आना चाहिए? बीप आना चाहिए, बीप आना चाहिए। और अगर वो लीकेज हुआ तो क्या होगा? हेलो दिखाए। अगर वो सीरीज में लगा होता है कि पैलर में लगा होता है? सीरीज में होता है। सीरीज पैलर चेक करना आता है? हाँ। आप बताओ किस किस को सीरीज पैलर चेक करना आता है अब यहाँ पर? सबको आता है। पहले दिन आया था तो थोड़ा बहुत डाउट था कि नहीं था, क्योंकि जो भी है अपन दिल से बोल रहे हैं यहाँ पर, कुछ आप ऐसा नहीं है कि बुलवाया जा रहा है। तो आप बिल्कुल पहले बताओ, पहले दिन में और अब में क्या अंतर है? सर बहुत फर्क है, मैंने तो जो सोच के आया था उससे बहुत अच्छा गुण मिल गया। मैंने सोच के आया था कि क्या मिलेगा, मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ, मेरा शॉप है, लेकिन मैं कुछ भी आइडिया नहीं था क्या है नहीं है, तो आके यहाँ के A to Z मिल गया, जो मिलना था प्रॉपर नॉलेज मिल गया, मेरे को बहुत सेटिस्फाइड हो गया। थैंक यू वेरी मच, इनके लिए ताली बजा दीजिए यहाँ पर। तो थैंक यू वेरी मच इनके जोरदार कॉन्फिडेंस के लिए और जो उन्होंने मेहनत की उसके लिए। अब यहाँ पे मेरे साथ एक स्टूडेंट है, आपका नाम क्या है? सत्य सिंह है सर। सत्य सिंह, आप मुझे यह बताओ, आप ऐसे आ जाओ थोड़ा इधर बीच में आ जाओ, इनको बीच में ले आओ थोड़ा, आप तो वहां बीच में आ जाओ। सतीश सिंह आप वहां आ जाओ, ठीक है। आप बताइए आप कहां से आए हैं? जी हरियाणा से आया हूं। हरियाणा से इतनी दूर, पहली बार ही पूछना चाहूंगा कि एसर टेलीकॉम को क्यों चुना? दिल्ली कितना पास है, बॉम्बे भी जा सकते थे, ये जबलपुर एमपी आने का क्या रीजन है? जी सर एक तो वीडियो देखा सर, हाँ उनसे हमें कॉन्फिडेंस मिला सर। जो आप लोग यही तो वीडियो देखते थे आप, जैसे आप लोग ये 5 दिन का 4 दिन का आउटपुट बनाते थे, सो आज आप खुद खड़े होकर दे रहे हो, तो क्या लग रहा है कितना आपको इसमें एक्चुअल अपने इसमें सत्य मतलब जो आपको दिख रहा होगा कितना सही है क्या गलत है? जी सर दिल से सच्ची बात बोल रहा हूँ सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। प्रैक्टिकली यहाँ पे कितना मिला आपको, कितने बजे तक क्लास चलती है? ये सर 12 घंटे हो जाते हैं। 12 घंटे हो जाते हैं। सुबह कितने बजे बुलाते हैं आप लोगों को? कितने बजे भेजते हैं? 8 बजे भेजते हैं। तो हमें कहीं भी हमें भी लगता है कि यार इतना हम पढ़ा रहे हैं, पता नहीं ये लोग कई बार ज्यादा तो नहीं हो रहा है इनके लिए, ज्यादा तो हो रहा है कि आपके लिए नहीं हो रहा है यहाँ पर? आप समुद्र है सर, हम जितना लेना चाहिए आप उतना है। सो यहाँ पर आपने कैसा चलता है क्लासेस? सुबह 8 बजे से 5 बजे 12 बजे तक क्या क्लास चलती है पूरी? हमें प्रैक्टिकल पूरा आपको प्रैक्टिकल लैब में बैठाया जाता है आपको यहाँ पर, और उसके बाद 12 से 5 तक फिर आपका क्या क्लास चलता है? जी सर फिर आप यहाँ पे करवाते हो सर? ट्रेसिंग करवाता हूँ फिर मैं यहाँ पर, ये ट्रेसिंग का क्लास है, और फिर 5 बजे के बाद में फिर वापस 8 बजे क्या क्लास चलता है? फिर प्रैक्टिकल, जो ट्रेसिंग हम करते हैं उसको प्रैक्टिकली करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। और आप देख रहे होंगे पीछे ये जो नोट्स लगे हुए हैं दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे, और अभी तो ये दीवार भरने वाली है। जी सर भरने वाली है कि नहीं भरने वाली है? सब भरेंगे यहाँ पर। सो ये फिरोज ये क्या नोट्स लगे हुए हैं यहाँ पर? ये सब स्टूडेंट ने अपने आप से एंड्रॉइड के पीसीबी को ट्रेस किया है, अपने हाथ से सर्किट डायग्राम बना के ये लोग लगाए हैं, और सारे मोबाइल का कोई भी सेक्शन हो ये सब अपने विदाउट स्कीमेटिक देखे हुए ये खुद बना सकते हैं और ट्रेस कर सकते हैं। वो बहुत सारे लोग बोलते हैं दुर्गेश, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डायग्राम्स के बिना काम नहीं हो पाता है, डायग्राम से ही काम सीखना चाहिए, क्या ऐसा है क्या? नहीं, हमारे पास जो भी स्टूडेंट आते हैं बिना डायग्राम के वो सर्किट डायग्राम बना रहे हैं। सर्किट डायग्राम बना रहे हैं क्योंकि उनको ट्रेसिंग का प्रॉपर A to Z ऐसा नॉलेज कैसा दिया जा रहा है आप खुद बताइए। ये डायग्राम हमने बनाया है दोनों, ये आप ही ने बनाया है सर? ये मेरे खुद के डायग्राम बनाए हुए, सर ने सिखाए थे हमें टेक्निक, और आपने वो नॉलेज लिया है, टेक्निकों पे तो जिंदगी कभी नहीं टिकी होती है, ठीक है, वो नॉलेजों को समझाने की एक टेक्निक होती है, बस वही चीज है। वेरी गुड, अब मुझे बताओ कि 3 तरह के जो रजिस्टर इन्होंने बताया उसके अलावा 3 तरह के रजिस्टर बताओ। एक तो सिंपल रजिस्टर, हाँ सिंपल रजिस्टर, दूसरा पैकेज रजिस्टर, एक VDR का फुल फॉर्म क्या होता है? वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। वोल्टेज डिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया?
जी वो तो वोल्टेज पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। ये कौन से सप्लाई में लगा हो सकता है? ये सर BSI, BSI पैलर की सीरीज, पैलर आता है चेक करना। पैलर अगर कोई रजिस्टर लगा दिया तो वो हाई वैल्यू होगा कि लो वैल्यू होगा? हाई वैल्यू होगा। अगर अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या रजिस्टर शॉर्ट होते हैं? नहीं होते हैं रजिस्टर शॉर्ट, नहीं होते हैं। कई लोग बोलते हैं सर रजिस्टर में बीप आ रही है तो ठीक है, बीप नहीं आ रही तो खराब है, ऐसा होता है क्या? लेकिन वो समझते हैं सर वो, हाँ हाँ मतलब वो समझते हैं, हम तो नहीं समझते ना। हम तो रजिस्टर में लीकेज भी ढूंढ लेंगे कि नहीं ढूंढ लेंगे? वो दारू पिया हुआ आदमी को पता है ना कैसा चलता है वो, है ना? हाँ वेरी गुड। सो यहाँ पर आपने बताया डुअल पैकेज रजिस्टर में अगर एक रजिस्टर 10 ओम का है तो दूसरा भी रजिस्टर 10 ओम का, और अगर नॉर्मल रजिस्टर है वो सीरीज में भी लगे हो सकते हैं और पैलर में भी। और पैलर दो तरीके से होते हैं, दो तरीके से पैलर होते हैं ना, जिसमें बड़ा दिमाग खप गया है हमारा, है ना? उसी में दिमाग खप गया है हमारा जी सर। जो दो लाइनों के बीच में नहीं, वो आपको नॉलेज है कि नहीं है? नॉलेज है बस, बहुत बढ़िया है। आ जाओ बैठ जाओ, ताली बजाओ इनके लिए। तो यहाँ पर अब हम बताते हैं डायोड, आ जाओ यहाँ पर। तो ये हमारे सारे एक स्टूडेंट है दोस्तों, क्या आप सब लोग डायोड बता सकते हैं क्या? तो अगर हम तो ऐसा करेंगे तो क्लास तो हमारा वीडियो ही 1-3 घंटे का बन जाएगा। तो लोग चाहते हैं थोड़ा सा देखना, और वो चाहते हैं कि क्या आप जो हम यहाँ आने वाले हैं कि क्या हमको ज्ञान मिलने वाला है, या जो जहाँ पढ़ रहे होंगे वो समझ रहे होंगे मैं तो आधा एक महीने से पढ़ रहा हूँ, मुझे क्या इनके कंपैरिजन कर सकते हैं? आप मुझे बताइए तीन तरह के डायोड कौन कौन से होते हैं? डायोड सर जेनर डायोड, एलईडी डायोड और नॉर्मल डायोड। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कौन से डायोड पैलर होंगे, मतलब पैलर डायोड कहाँ लगे होंगे, सीरीज डायोड कहाँ लगे होंगे, अगर पूरे अभी के एंड्रॉइड बोर्ड में? पैलर डायोड तो कहीं भी मिल सकते हैं, बाकी सीरीज में जो डायोड मिलेगा वो लाइट सेक्शन। मैं आपको सच बताऊं दोस्तों कि इस स्टूडेंट ने जो ऐसी चीज बताई है कि बता पाना बहुत बड़ी बात है, आप समझ रहे हो। एक टेक्नीशियन वो हो गया जो सिर्फ कर सकता है, फिर उस क्या कहना चाहोगे इसके लिए कि मतलब एक टेक्नीशियन होते हैं जो सिर्फ कह सकते हैं पर वो चीजों को समझा, पर आप अगर समझा रहे हो तो। अगर मैं आपको सच बताऊं, आप सबको अगर मैं एक अपने दूसरे किसी स्टूडेंट को दे दूं बोलूं इनको सिखा दो, तो आप सिखा नहीं सकते क्या? सिखा सकते हैं कि सर मैं तो सिखा भी दूंगा, क्योंकि हमने सिर्फ चेक नहीं किया, हमने उसको समझा है कि वो क्या कैसे कर लीक होता है, कैसे खराब होता है, सारी चीजें प्रैक्टिकल किया हुआ है, प्रैक्टिकल किया हुआ है। अगर मैं आपको बताऊं कि डायोड अगर पैरेलल लगा है तो उसका प्लस किधर होगा? माइनस की तरफ, माइनस की। वेरी गुड, इनके लिए जोरदार ताली बजा दी, बहुत बहुत अच्छी बात की है। तो डायोड तीन प्रकार के बताए, जेनर डायोड क्या होता है? जेनर डायोड चार्जिंग सेक्शन में होता है, चार्जिंग सेक्शन में होता है, और बाकी जो हम बाईपास करने के लिए डायोड लगाते हैं ना वो जेनर डायोड होते हैं। आपको कैसा लगा यहाँ आके? अरे वेरी गुड, चलिए ठीक है आ जाइए बैठ जाइए। तो यहाँ पर अब मेरे साथ में एक और स्टूडेंट है, आ जाए यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका नाम क्या है बताइए? मेरा नाम मोहम्मद तौफीक है सर। मोहम्मद आप कहाँ से हैं? सर मैं महाराष्ट्र में हूँ। महाराष्ट्र से आप, महाराष्ट्र से मुंबई में जा क्यों नहीं गए, आप यहाँ क्यों आए, रीजन क्या है? मैं 6-7 महीने से सर आपकी वीडियो देख रहा हूँ, और मैं अभी तक तुक्के में काम कर रहा था सर, अंदाजन यूट्यूब वगैरह, लेकिन अभी ऐसा हो गया सर कि मैं मतलब ना मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मैं खुद से सर ट्रेसिंग कर सकता अच्छे से प्रॉपरली। अब मतलब आपको अब कॉन्फिडेंस आया है कि नहीं आया है कि अब यहाँ पर? अच्छा 3 दिन में आके अब आपको कैसा फील हो रहा है यहाँ पर 4 दिन में? बहुत अच्छा। पहले के मोहम्मद में और अभी के में जो टॉपिक में कितना अंतर है अभी एज अ टेक्नीशियन? सर मैं सर 6 साल से मतलब काम कर रहा हूँ इस फील्ड में, लेकिन सर अभी तक मैंने IC रिवॉल्व करके लगाए सर, और मैंने इधर आके पहली बार में सर IC रिवॉल्विंग। फिर इनके लिए क्या कहना चाहोगे? सर ये बहुत ही हार्डवर्क स्टूडेंट है, और इन्होंने लगाया 3-4 मरतबा, और दूसरों को भी ये सपोर्ट करते हैं लगाने के बाद में। अच्छा तो आप मुझे ये बताओ, ट्रांजिस्टर बड़ा मसला है, लोगों को ट्रांजिस्टर समझ में नहीं आते, है ना? पैलर वो PNP क्या है, NPN क्या है, तो आप बताओ ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। कौन कौन से? PNP और NPN। अगर ट्रांजिस्टर 3 क्या काम करते हैं? सर ट्रांजिस्टर एम्पलीफिकेशन करता है, और दूसरा सर सर मतलब रेगुलेट करता है। क्या होता है सर? मतलब ज्यादा वोल्ट को कम करके भेजना। और एम्पलीफिकेशन का मतलब क्या होता है? एम्पलीफिकेशन सर मतलब झटके से सप्लाई को बढ़ाना। एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है? सप्लाई को बढ़ाना है। और तीसरा काम क्या करता है? स्विचिंग करता है। राइट, ठीक है। सो आपको अगर मैं ट्रांजिस्टर यहाँ बना के दूं तो आप बता सकते हैं कौन सा ट्रांजिस्टर है? यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर, दुर्गेश बनाओ एक ट्रांजिस्टर बना दो यहाँ पर। सो आप बताइएगा कि वो NPN है कि PNP है, क्योंकि सिम्बोलिक रूप से बना रहे हैं। और आप सभी को ट्रांजिस्टर चेक करना आते हैं कि नहीं आते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर हमने ट्रांजिस्टर बता दिया, आप बताइए कौन सा ट्रांजिस्टर है? सर ये NPN ट्रांजिस्टर है। क्या है बाकी में ये NPN ट्रांजिस्टर है? वेरी गुड, तालियां बजा दीजिए एक बार इनके लिए।
चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आ जाइए यहाँ पर। सो यहाँ पर हमारे साथ में एक स्टूडेंट है। अच्छा यहाँ पे एक हम पहले बी बैट का हम चेक कर लेंगे। तो आप आपका नाम क्या है? अरे आप ये बताओ उड़ीसा से जबलपुर कैसे? मतलब उधर में 7-8 साल से काम कर रहा था। अच्छा आपका वीडियो में 3 साल से देख रहा था। ओके और मुझे इतना नॉलेज भी कंपोनेंट के ऊपर नहीं था, मैं थुक्का मार के काम कर रहा था बस। इधर हो गया जंपर मार दिया, अगर हो गया तो हो गया नहीं तो नहीं। अभी आप जब यहाँ पे 3-4 दिन काम कर रहे थे तो यहाँ पर आपने देखा कि इतने सालों का एक्सपीरियंस याद आ रहा होगा कि काम अच्छा वाला काम कर सकते थे। हाँ, हाँ, ऐसा आता नहीं होगा कि दुकान में बैठे बैठे अपने को फोन याद आते होंगे, यार वहाँ पे अपन वो काम कर ले तो शायद बन जाता वो फोन। तो आप मुझे बताओ कि अगर मेरे पास एक ऐसा फोन आता है जिसमें बैटरी कनेक्टर उखड़ गया है और किसी टेक्नीशियन ने उसके आसपास के कंपोनेंट भी उखाड़ दिए, तो फिर मैं कैसे फोन चालू करूंगा? मैं फोन चालू कर दूंगा। वो फोन मतलब बैटरी कनेक्टर तो पूरा उखड़ गया है। हम पावर सेक्शन से कैपेसिटर चेक करेंगे। बैटरी कनेक्टर में 350 से 450 तक रीडिंग आना चाहिए, तो हम कैपेसिटर चेक करेंगे। दो जहां पे 350 रीडिंग आना चाहिए, हम डीसी वोल्टमीटर लगा के उधर देख लेंगे कितना रीडिंग। उसका एक और तरीका है ना, और एक तरीका है तो पावर की हम चेक कर सकते हैं 1.2 वोल्टेज से 4.2 वोल्टेज। बिल्कुल, ये प्रैक्टिकल किया है कि नहीं किया आपने? प्रैक्टिकल किया। अब इधर जो पढ़ते हैं शाम को वही प्रैक्टिकल करते हैं, फिर उधर घर पे जाके भी प्रैक्टिकल करते। जो हार्डवर्क करना चाहते हैं इधर आए। रात रात तक हम जाके वही प्रैक्टिकल करते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात कही है कि यहाँ पर पहले दिन वही रुक सकता है। जैसे आप बताओ यहाँ पे पहले दिन कौन रुक सकता है आपके हिसाब से? जो मेहनत करने में सच्चा में वही यहाँ पर रुक सकता है और कोई नहीं रुक सकता। कोई नहीं रुक सकता है तो मतलब यहाँ पर हम लोग 2 बजे तक पढ़ाई करते हैं। 2 बजे तक पढ़ाई करते हैं, 8 बजे तक प्रैक्टिकल होता है, इसके बाद में सर पढ़ाई करते हैं। चलिए इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। चलिए आप इनके आप यहाँ आ जाओ, आप मुझे बताओ, आ थोड़ा पीछे जाओ, आप मुझे बताओ कि जैसे इन्होंने बताया कि अगर मेरा इतना उखड़ गया पावर आईसी से, तो आप मुझे बताइए कि अगर बैटरी कनेक्टर ही उखड़ा है, इतना सर नहीं है गया, इतना फॉल्ट नहीं आ रहा, तो कैसे बना सकते हैं? सर वो कैपेसिटर और उसका डायोड लगा होगा उसका, उसको हम चेक कर लेंगे। 350 बहुत सारे कैपेसिटर होते हैं, तो उसके भी पहचान लोगे की नहीं पहचान लोगे? पहचान लोगे। तो यहाँ पे आपका कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैं लगभग 4-5 साल से काम करता हूँ। कहाँ से हैं आप? मैं यूपी लखनऊ से। आपका नाम क्या है? अनिल कुमार। अच्छा अनिल, आप ये बताओ, अच्छा अनिल अगर आपको दोस्तों वाकई में इन लोगों का आउटपुट देखना है तो आप मेरे फेसबुक के पेज में आ सकते हैं। हालांकि ऐड करने का वहाँ पे कोई वो नहीं है फेसबुक में, क्योंकि ऑलरेडी सब बड़े पड़े हैं, सबकी सारे स्टूडेंट हैं। आपसे बाकी वहाँ पे हमें देख सकते हैं, क्योंकि हमने इनके बहुत सारे वीडियोस फोटो हमने शेयर किए हुए हैं, जहाँ इन्होंने आपने सीपीयू निकाल के लगाया वापस दो बार निकाल के लगाया है। तो आपने यहाँ पे ट्रेसिंग भी की है यहाँ पर? अच्छा, और अगर आईसीओ की जानकारी मैं पूछूं, आप सबसे पूछता हूँ अनिल के साथ में, कि अगर एमटीके का सीपीयू पावर वाईफाई आरएफ या फिर ऑडियो आईसी सब बता देंगे कि नहीं बता देंगे? कौन कौन बता सकता है यहाँ पर? सब बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? कॉल कम में हाथ उठा के बताओ यार, कंप्लीट हाथ उठा के बताओ, सब बता सकते हैं ना? सर मैं 4 महीने से सर वीडियो देख रहा हूँ आपका, इंतजार कर रहा हूँ। 2 बजे रात को मैं सोता हूँ आपके वीडियो देखने के बाद। अच्छा जी, ये मैं 4 महीने से कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो अब मैं यहाँ आने का 1-1 दिन का इंतजार कर रहा था, आप मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा, तो अब आपको आकर कैसा लगा कि आपका शब्द टूटा तो नहीं? जी नहीं, बहुत अच्छा लगा। 4 दिन में? जी बहुत अच्छा लगा। 4 दिन में लगता है कि मैं 2-4 महीने से सीख रहा हूँ, इतना नॉलेज नहीं मिलेगा सर। हाँ ये बात, 4 महीने में नहीं मिलेगा। सही बात है, बहुत बढ़िया ताली बजा दी। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट और है आपके साथ, हम एक चीज और शेयर करेंगे। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सबसे नहीं पूछ सकते हैं, हमें टाइम की बहुत ज्यादा कमी है, स्टूडेंट हम पूछते हैं। आप ये बताओ, बैटरी एरर आ रहा है तो वो किसकी वजह से आता है? BSI की लाइन में कुछ प्रॉब्लम है उसकी वजह से। और बैटरी लो टेम्परेचर? वो भी सर, क्योंकि BSI कुछ हैंडसेट में BSI और B10 एक ही लाइन पे रहता है। जैसे मान लो किसी एंड्रॉइड में 4 दिए हुए हैं, तो उसमें क्या 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 कनेक्शन है 4 में एंड्रॉइड में? सर एक तो अपना V-Bat है, एक BSI है, एक B10 है। और अगर सैमसंग में सर एक सेम V-Bat और एक ग्राउंड तो होगा ही होगा, और B-Temp और BSI एक ही है, और चौथा वाला हो गया NC होगा। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बैटरी एरर आ रहा है तो उसमें फॉल्ट क्या आएंगे, मतलब PCB में क्या फॉल्ट बनेगा? BSI की लाइन में एरर है, बैटरी एरर ये बताएगा अपने को कि बैटरी का स्टेटस फ्लक्चुएट करेगा बार बार अपना, और कभी कभी एक 50% से आगे फिर आगे बढ़ेगा भी नहीं उसका, कई बार -2% पे चला जाएगा, -% पे चला जाता है। सो वो बैटरी के बहुत सारे फॉल्ट आ सकते हैं, तो उसकी चेकिंग में आपको फॉल्ट क्या मिलेंगे, क्या मिल सकता है फॉल्ट उसकी चेकिंग में? सर कंपोनेंट्स या तो शॉर्ट हो सकते हैं, और या जो पैरेलल में लगे हुए होंगे, जैसे कि कैपेसिटर हो गया अपना, डायोड हो गया करके,
और अगर कोई सीरीज कंपोनेंट लगा है जैसे कि अपना रजिस्टर और कॉइल हो सकता है वो ओपन हो सकता है, इस वजह से उधर पे प्रॉब्लम आ रही है ऐसी कुछ। अच्छा, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक एंड्रॉइड मोबाइल है तो उसमें सीरीज में क्या लगा हो सकता है BSI में? सर BSI में सीरीज में एक रजिस्टर, वेरी गुड, PDR रजिस्टर जो कि हाई वैल्यू का होगा, वो पैरेलल, वो पैरेलल में। अगर सैमसंग में? सैमसंग में सर वो सीरीज में कॉइल, कॉइल लगा होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको मैं एक आईफोन दे दूं और आईफोन में BSI ओपन है तो उसका बना सकते हैं? बना सकते हैं सर, क्योंकि मेन जो कंपोनेंट्स उसमें मिलने वाले हैं उसका नॉलेज है हमें। हम दूसरे कंपोनेंट्स को छोड़ के सिर्फ उस लाइन पे वही कंपोनेंट्स जोड़ेंगे तो हमें जल्दी मिलेगा। आपको अगर सर्किट डायग्राम की या बात करें PB पढ़ना आएगा कि नहीं आएगा? आईफोन का PB सप्लाई, आईफोन का PB अभी सर ने हमको पिछले दो दिन में ही सिखाया है और मुझे सिखा दिया है, तो मतलब सब लोग तो कोई भी सीख सकता है यहाँ पर आके, क्योंकि मैं यहाँ से आने के पहले कभी आयरन भी नहीं पकड़ा अपने हाथ। अच्छा, आप बिल्कुल फ्रेशर है? कभी आयरन नहीं पकड़ा है सर। अच्छा, यहाँ पर मैं इतना सोच के आया था कि सिर्फ मैं डिस्प्ले लगाना सीख लूंगा तो बहुत हो जाएगा मेरे लिए करके, लेकिन मेरे साथ इतने अच्छे सर लोग हैं, इतने अच्छे सीनियर्स हैं कि मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ चार दिनों में। बहुत अच्छी बात है। आपने यहाँ पे CPU लगा के चालू किया है? CPU लगाया है सर, वन टाइम नहीं हुआ, सेकंड टाइम हुआ, थर्ड टाइम में सर ने मेरे को कॉन्फिडेंस दिया और थर्ड टाइम में मैंने पूरे ग्राफिक्स वाले मोबाइल को वन टाइम में CPU लगाया हुआ आईटेल का। क्या कहना चाहोगे फिरोज के लिए? सर ये बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट है और यहीं पर आके इन्होंने आयरन हाथ में लिया, SMD लिया है और ये खुद एक आईटेल का मोबाइल था जो कि अच्छी तरह से ऑन किए और दो बार नहीं हुआ था इनसे, बट तीसरी बार तब इन्होंने ऑन कर दिया, ऑन कर दिया है। बहुत बढ़िया, इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। ये एक दो बार तीसरी बार लगाने पर ये उदास हो सकते थे, ये मायूस हो सकते थे, ये यही सोच रहे थे कि सबने कर लिया मैं ही बचा होगा, ली तो फिर पर आखिरी में इन्होंने पर उसको भी कर लिया। उसमें सर मेरे सर लोग का तो बहुत ज्यादा हाथ था, उससे भी मेरे सीनियर्स जो हैं दो तीन जो कि मुझे हॉस्टल में इतना कॉन्फिडेंस दिए कि कोई नहीं कल हो जाएगा करके, तो कल हो गया और फर्स्ट टाइम ही हो गया, तो उसके लिए मुझे बहुत खुशी हो गई कि कुछ उन्होंने जो बेसिक दिया उसको फॉलो करके हो गया और पूरा चालू ही सेट था वो। बाकी रिबॉलिंग हो पा रही है? रिबॉलिंग हो जा रही है सर, हो जा रही है। EMMC की भी रिबॉलिंग की है। EMMC की रिबॉलिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते आप सब लोग? अब तो CPU की रिबॉल की है आपने, EMMC क्या यूनिवर्सल स्टेंसिल पे रिबॉल किया आप लोगों ने, ये बड़ी कमाल की बात है। वेरी गुड, चलिए आ जाइए यहाँ पर। अब इसके साथ में आखिरी में इनके तो उठाना चाहूंगा, आप मुझे बताओ एक स्पीकर की रिसीवर की लाइन है, एक रिसीवर की लाइन है और उधर आपको क्या क्या कॉम्पोनेंट मिल सकते हैं? सर रिसीवर की लाइन में सर हमको दो गार्ड मिल सकते हैं, दो सिक्योरिटी गार्ड मिल सकते हैं, ठीक है, तीन पानी पिलाने वाले हो सकते हैं, तीसरा वाला पानी पिलाने वाला कैसा लगा होगा? सर वो दो लाइनों के बीच में पैरेलल लगा होगा। वेरी गुड, और फिर उसके बाद में क्या? उसके बाद सर हम मैनेजर से मिलेंगे। मैनेजर से पर पहले एक और चीज लगी होगी वहाँ पर, चप्पल। मैनेजर से पहले क्या लगा होगा? चप्पल लगी होगी, तो अब इसको ढूंढ सकते हैं कि नहीं ढूंढ सकते? अभी अपन को देखो, अभी बज रहा है यहाँ पर 5:00 बज रहा है, 5:30 बज रहा है और अभी यहाँ पर 5:06 बज रहा है और सुबह कितने बजे आए थे यहाँ पर? अभी पर इसके बाद भी क्लास है आपकी? सर बाद भी क्लास है। अभी आपको ट्रेसिंग करना है वापस रिसीवर सेक्शन की और यही आपको मैनेजर, चप्पल, सिक्योरिटी गार्ड और पानी पिलाने वाला ढूंढना है यहाँ पर। सर आप लोग नस नस में बिठाते हो सर, चाहे दुर्गेश सर हो, चाहे सुरेश सर हो सर, चाहे आप हो सर। अच्छा हाँ सर, और एशिया का नंबर वन, इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट। थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ में इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है और इंडिया का नंबर वन बनने वाले स्टूडेंट कौन है, ठीक है, और जिनको बुरा लगता है कि जोर से चिल्लाते हैं उनके कानों से खून निकलेगा भी आगे जाके, और ठीक है ना। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, वो मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला, मैकेनिक नहीं होता है जिसका वो अंदर का उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा, जो इधर आके सीखना सीख सकता है। तो अब मुझे ये बताओ कि तुम सेटिस्फाई हो यहाँ से? तुम बहुत सेटिस्फाई। जब हम सीखे तो बहुत कुछ, हम बहुत जगह ठके भी हैं, ऐसा नहीं है कि लोग मुझे ठगा भी है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला और जब मैं यहाँ आया तो मुझे बहुत कुछ मिला। ये अपने सेक्शन हुआ भी नहीं है? नहीं, नहीं, सेक्शन का हुआ है क्या अपना? फिर भी स्पीकर में अगर मैं बोलता हूँ तुमसे कि किसी भी फोन का नीचे की बॉटम कनेक्टर टूटा हो, वहाँ तो कर देंगे सर अच्छे तरीके। हाँ सर, B2B केबल टूटा हो, ICO के आसपास के कंपोनेंट से तुम स्पीकर बजा दोगे? ये तो नहीं, आपको प्रैक्टिकल किया है यहाँ? मोबाइल में कुछ लाग डिफरेंट करना चाहता था, जो एडवांस लेवल का हो, वो नहीं, वो तो IC लगाने वाले वो बैठे हैं, वो नहीं कुछ डिफरेंट, जो वाटर पेंटिंग आती है वो मेरे से मोबाइल वापस ना जाए शॉप से,
ऐसी ऐसा सिग्नल करते वो कौन सा आता था वो एशिया टेलीकॉम तो यहाँ पर आपको मिला। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने मेरी बुक जो मोबाइल फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर में मैंने बनाई है उसको आपने परचेस किया होगा। दोस्तों उसको परचेस कीजिए, इसमें मोबाइल फ्लैशिंग का बहुत सारा ज्ञान है और इसमें से बातें लिखी नहीं गई हैं, इसमें चित्रों के साथ में बताई गई हैं स्टेप बाय स्टेप कि अगर कोई ड्राइवर किस तरीके से आप इसको ड्राइवर डाल सकते हैं, कौन से CPU की किस तरह से पहचान होती है या फिर मोबाइल में किस तरह से फ्लैशिंग की जा सकती है, तो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इस बुक को खरीदने के लिए आपको लिंक नीचे मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपने मेरे मोबाइल रिपेयरिंग ऐप्स डाउनलोड करने हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए, लिखिए देवरत्न अग्रवाल, और मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित वीडियो सर्च करना है तो यूट्यूब में जाइए, लिखिए देवरत्न अग्रवाल या लिखिए एशिया टेलीकॉम। दोस्तों ज्ञान असीमित है, ये आप पर है कि आप उसको कितना पाना चाहते हैं। थैंक यू मित्रों, सरंजी नवीन बुक क्या है एडवांस मोबाइल चिप लेवल रिपेयरिंग सीखिए, लॉन्च झालेला आहे। हे तुम्हाला घ्यायचं असेल तर तुम्हाला ऑनलाइन भेटेल, या व्हिडिओच्या खाली तुम्हाला एक लिंक दिलेली आहे, त्या लिंकला क्लिक करा आणि तुम्हाला हे तुम्ही परचेस करता येईल। आता या बुक मध्ये तुम्हाला जे आहे ते पूर्ण डिटेल, जे तुम्ही काम करताय किंवा नाही करताय कंपोनेंट लेवल, अरे ऐप्स डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में एशिया टेलीकॉम सर्च करें, एशिया टेलीकॉम लिखें और एशिया टेलीकॉम लिखने के बाद आपको हमारे मोबाइल रिपेयरिंग एप्स जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और भी काफी एप्स हैं जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग वीडियो और मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स, मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर के काफी एप्स आपको मिल जाएंगे। इन एप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके लाभ उठाएं। An ISO 9001 and 2008 certified institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.